ये उतने ही नंबर ऑफ रूट होते हैं। तुम्हें जो रूट गिवन है, तुम्हें जो रूट्स गिवन है वो क्या क्या है? एक सर आर गिवन है, एक सर हमें माइनस आर गिवन है, एक मान लो तुम लोग अपनी मर्जी से कुछ पी क्यू आर एस टी जो भी है ना, आर मत मानना बस, एम एन ओ पी जो भी तुम्हारा मन करे, तो तुम्हारा जो मन करे मान लेते हैं, एक्स को मानना ठीक नहीं रहेगा, ए मान लेते हैं, राइट ए। थर्ड रूट तुमने एज्यूम कर लिया, ये एज्यूम किया है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आइडिया लग जाएगा। अब सीधे सीधे रूल फॉलो करो बच्चों, सीधे सीधे रूल फॉलो करो। अगर तुम लोगों को सबसे पहले मैं बताऊं सम ऑफ रूट, अगर तुम सम ऑफ रूट कर रहे हो वन प्लस माइनस आर प्लस ए, सम ऑफ रूट बोले तो बोलो क्या होगा, कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट एवरीवन। इससे कैंसिल आउट हुआ तो तुम्हारी जो ए की वैल्यू है वो आएगी सी अपॉन फाइव। इतनी बातें क्लियर, इक्वेशन वन। दूसरा, अगर तुम लोगों के मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए, मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए, उनको ऐड किया जाए तो क्या होगा बच्चों, तुम लोग लिख सकते थे आर और माइनस आर को करूंगा तो सर आर का स्क्वायर होगा, माइनस का माइनस बाहर रहेगा, राइट। अगेन दूसरे वाले को सम करो फटाफट, आर को इससे करोगे तो ये कितना होगा बच्चों, ये होगा सर आर ए हो जाएगा, और इसको करोगे सर माइनस आर ए हो जाएगा। और बेसिकली ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए सर, कॉफिशियंट ऑफ एक्स कितना है माइनस टेन डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, ये कितना है फाइव, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये फाइव से टू टाइम कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर का वैल्यू तुम्हारे सामने आ गया कितना, टू। दैट द इक्वेशन नंबर सेकेंड, बहुत बढ़िया। अगेन थर्ड वन, थर्ड वन, इन सबका मल्टीप्लिकेशन, इन सबका मल्टीप्लिकेशन, आर मल्टीप्लाई बाई माइनस आर और मल्टीप्लाई बाई ए, इन सबके मल्टीप्लिकेशन में यू गाइज रियलाइज दैट क्या होगा बच्चों, कॉन्स्टेंट टर्म, ये है कॉन्स्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चों, कॉन्स्टेंट टर्म को डिवाइड करेंगे किससे, माइनस, ध्यान से यहां पे गड़बड़ कर दोगे, माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का जो कॉफिशियंट है फाइव, इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा प्लस, क्या इतनी बात क्लियरिटी से समझ में आ रही है। इसकी वैल्यू तुम जानते हो आर स्क्वायर की वैल्यू, आराम से सॉल्व करना बच्चों, आर स्क्वायर की वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है कि टू है, टू ए इक्वल टू नाइन बाई फाइव, और ए की वैल्यू तुम यहां से उठा लो तो ए की वैल्यू उठाओगे तो कितनी आएगी सर, ये टू और ये सी बाई फाइव इक्वल टू नाइन बाई फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल आउट। एक आसान सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो तुम लोग उड़ा सकते थे फ्यूचर में, हाँ भैया आराम से, तुम्हारा जो वैल्यू आएगा टू सी इक्वल टू नाइन, और बेसिकली सी का वैल्यू जो आएगा वो नाइन बाई टू। छोटी मोटी एरर मत कर देना प्लस माइनस की, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे सम ऑफ रूट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट तुम्हें पता है, वैसे ही हायर डिग्री में सेम रूल फॉलो होता है। पहले तुमने रूट को सम किया, फिर दो दो के कॉम्बो से मल्टीप्लाई किया, फिर तीनों को मल्टीप्लाई किया, सेम रूल फॉलो हुआ। पहले तुम लोगों को कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर और क्यूब का लेना था, फिर इसके साथ लेना था, फिर इसके साथ, एक छोटी सी गड़बड़ तुम यहां कर सकते थे, माइनस आएगा अगर तुम माइनस नाइन नहीं लोगे तो क्वेश्चन का पूरा स्नैरियो चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा ध्यान में रखना, बाकी बहुत ही आसान और एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था। बन गया, चलो बहुत बढ़िया।